क्लास फॉर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? सब बच्चे हाउस में रहो, अपने हैंड्स वॉश करते रहो। बाहर तो वैसे आपने जाना नहीं है, बट जब भी आप जाते हो मास्क लगा के जाओ, और मास्क को बार बार टच नहीं करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बिल्कुल भी मास्क लगा के भूल जाना है कि मास्क लगाया है, ठीक है? ओके, बी केयरफुल एंड बी सेफ। आज हम क्या करेंगे? आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ आर कंप्यूटर सब्जेक्ट। ओके, बट बिफोर दैट लेट अस सी आज क्या डे है। टुडे इज 1st October 2020, और डे क्या है? टुडे इज थर्सडे। क्या डे है? थर्सडे। स्पेलिंग बोलो आप साथ में, THURSDAY, थर्सडे, ठीक है? वेरी गुड। तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ऑन पेज नंबर 18। ये आपकी बुक है, इसमें पेज नंबर 18 पे थर्ड चैप्टर है, जो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अभी हमने रीड किया कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है? तो अभी उसके हमने मशीन के क्या यूज होता है, जैसे मिक्सी है हमारे घर में या फ्रिज है, तो उसका क्या यूज है? उसका यूज होता है फ्रिज में हमारा सामान खराब नहीं होता है, हमारा वाटर कोल्ड रहता है। सिमिलरली मिक्सी है, उसका ये यूज होता है कि हम पेस्ट बना लेते हैं, मसाला बना सकते हैं, प्लस हम जूस बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, करेक्ट? वैसे ही कंप्यूटर मशीन है। तो कंप्यूटर का क्या यूज है? कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस हैं। कौन से यूजेस हैं? सबसे पहले तो हम कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं। सब बच्चे आप लोग जो भी कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं वो आप प्ले कर सकते हो। हम टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं, कुछ हमने लिखना है तो वो हम वर्ड पे लिख सकते हैं, कार्टून्स वॉच कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं हम अपने आईपैड लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। फिर हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर हमने म्यूज़िक सुनना है, हमें अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनना, तो हम कंप्यूटर के ऊपर भी म्यूज़िक सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लेटर्स टाइप कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। जैसे पहले तो हम लेटर्स लिखते थे, फिर अभी हम जैसे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर के थ्रू भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। टिकट्स हमने बुक करनी है, एयरप्लेन की टिकट बुक करनी है, ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है, रेल की टिकट्स बुक करनी है, बस की, और मूवी पे जाना है, फिल्म देखने जाना है आपने, उसकी भी आप टिकट बुक कर सकते हो ऑन कंप्यूटर। और क्या कर सकते हैं हम? पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, करेक्ट? और हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो जिनके पास कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर के ऊपर भी स्टडीज कर सकते हैं। शॉप्स में हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमको बिल्स देते हैं, वो भी हमें कंप्यूटर से देते हैं निकाल के, करेक्ट? तो कितने सारे यूजेस हैं कंप्यूटर के, तो ये आप देखो एक बार, मैं आपको बुक में भी दिखाती हूँ कि क्या क्या हम यूजेस कर सकते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर पे हम, अगर हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है वो हम कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। अगर आपके मोबाइल में बहुत सारी आपने फोटोज क्लिक कर ली, ठीक है, तो आपको अगर और फोटोज क्लिक करनी होती है तो पुरानी फोटोज आप सारी डिलीट कर दोगे, आप और फोटोज नहीं खींच पाओगे जब तक पुरानी फोटोज डिलीट नहीं करते हो। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने कंप्यूटर पे सारी फोटोज सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम? लेटर्स टाइप कर सकते हैं, हमने कुछ टाइपिंग वर्क करना है वो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, करेक्ट? और क्या कर सकते हो आप कंप्यूटर पे? ये बेबी जैसे आपके जैसे कार्टून्स देख रहा है, वी कैन वॉच मूवीज, कार्टून्स, वी कैन स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट, करेक्ट? फिर हम ड्राइंग कर सकते हैं कंप्यूटर पे, वी कैन लिसन टू म्यूजिक, वी कैन बुक टिकेट्स, और हम मैसेजेस भी रिसीव कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं, करेक्ट? और कंप्यूटर्स के इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, पर कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर देखते हैं? कहाँ पे होते हैं कंप्यूटर्स आप बताओ?
आपके पापा के ऑफिस में, मम्मा के ऑफिस में, स्कूल में कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, और कहाँ पे होते हैं, शॉप्स में होते हैं कंप्यूटर्स, ऑफिस में, होटल्स में, आप मम्मी पापा के साथ जाते हो बाहर खाना खाने के लिए, आपको बिल बना के देंगे, तो कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर पे बना के देंगे। फिर बैंक में होते हैं कंप्यूटर्स, जितना वर्क होता है बैंक का तो वो सारा ही कंप्यूटर पे करते हैं। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, हर एक जगह पे आप जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको कंप्यूटर्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर, क्योंकि उसके कितने सारे यूजेस हैं। वो हमारा वर्क बहुत फास्ट कर देता है, टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी वर्क हो जाता है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर लेता है कंप्यूटर। दैट इज़ वाई, बिकॉज वो हमने लास्ट टाइम रीड किया था कि मशीन है, तो मशीन तो हमारा वर्क ईजी कर देती है, जल्दी करती है, फास्ट फास्ट करती है, हमको बिल्कुल भी ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट। तो अभी इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर के इतने सारे यूजेस हैं, तो आपको कंप्यूटर्स तो हर एक जगह पे मिलेंगे, जहाँ भी आप देखोगे, जहाँ भी आप जाओगे, वहाँ सब जगह पे आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे। और कंप्यूटर्स तो कभी थकते भी नहीं है, सारा टाइम काम कर सकते हैं, करेक्ट। और कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक भी नहीं करता है। ऑल राइट, तो आप ये वीडियो देखो, ध्यान से समझो, वन टाइम देखो, टू टाइम्स देखो, क्लास में भी हमने ये किया है, तो अगर आप बाई चांस क्लास में कोई प्रॉब्लम थी कनेक्शन की, आपको समझ नहीं आया, तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो, ओके, एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, बाय।